हर गार्डनर का सपना होता है कि वो अपने घर पर खुद की शिमला मिर्च उगाएं। अगर आपका भी सपना है कि आप अपने घर पर खुद की शिमला मिर्च उगाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे बिना कोई खर्च किए आप घर पर शिमला मिर्च कैसे उगा सकते हैं और इनकी केयर कैसे करनी है। शिमला मिर्च के पौधों में कब और कितनी खाद देनी है और इनको किस स्थान पे रखना है, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, ये शिमला मिर्च का पौधा है जिसको मैंने जो घर पे डेली यूज़ के लिए शिमला मिर्च आते हैं उसी से उगाया था। शिमला मिर्च के पौधों के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? शिमला मिर्च के पौधों के लिए मैंने इसमें यहाँ पे यूज़ किया है जो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी होती है वो 50% लिया है, 20% मैंने रेत डाली है इसमें और 30% गोबर की खाद डाली है। ये देखिए, इसमें फ्रूटिंग होने लगी है, छोटे छोटे से शिमला मिर्च हैं इसमें। और मैंने पहली बार शिमला मिर्च उगाया है और रिज़ल्ट अच्छा है। अगली बार मैं ढेर सारे पौधे लगाऊंगी। देखिए, इस वाले में काफ़ी ज़्यादा फूल निकले हुए हैं। ये देखिए, इनको मैं 15 दिन पे अलग अलग खाद देती हूँ। शुरुआत में मैंने लगाया था तो गोबर की खाद तो मिलाई ही थी, उसके 15 दिन बाद मैंने इसमें डाला था सरसों की खली। सरसों की खली ठंडियों में पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो गर्म होती है। इसमें 2 चम्मच मैंने डाला था सरसों की खली। फिर मैंने 1 महीने तक लगभग कोई खाद नहीं डाली और अभी कुछ टाइम पहले मैंने डाला था इसमें गोबर की खाद, बस 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाली थी। और देखिए, शिमला मिर्च मेरे कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। कोई भी फल फ्रूट हो, कोई भी पौधा हो, सबको धूप ज़रूरी होती है। शिमला मिर्च के पौधे को लगभग 3-4 घंटे की धूप चाहिए होती है। ये देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे शिमला मिर्च के पौधे जिनमें शिमला मिर्च लगी हुई है। अब आज मैं इसमें खाद डालने वाली हूँ। ये देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं और इनका साइज भी काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, ये है गोबर की खाद जो मैं गांव से लेके आई थी। और मेरे कुछ शिमला मिर्च के पौधों में अभी फ्लावरिंग हो रही है और कुछ में फ्रूटिंग होने लगी, कुछ में छोटे से फ्रूट हैं, तो मैं इनको खाद को डालूंगी ताकि मेरे शिमला मिर्च के पौधों में अच्छे से फ्रूटिंग हो। चलिए, थोड़ी थोड़ी सी खाद डाल देती हूँ सारे पौधों में। गोबर की खाद सबसे बेस्ट खाद होती है, फूल के पौधे हों या सब्जियों के पौधे हों या फल के पौधे हों, सबसे अच्छी गोबर की खाद होती थी। थोड़ी सी खाद मैं इसमें देती हूँ और थोड़ी सी खाद इस वाले में देती हूँ। इसी तरह मैं सारे पौधों में खाद डाल दूँगी। ये देखिए, कितनी अच्छी खाद है, इससे हमारे शिमला मिर्च के पौधों में फ्रूटिंग अच्छी होगी और बड़े साइज के शिमला मिर्च लगेंगे। अब मैंने इसमें खाद डाल दिया है। ये देखिए, कितने बड़े साइज के शिमला मिर्च लगे हुए हैं। अब चलिए, मैं सारे शिमला मिर्च के पौधों में, ये देखिए, इसमें 4 शिमला मिर्च लगे हैं। चलिए, मैं अब सब में पानी डाल देती हूँ। खाद डालने के बाद हमेशा पानी, अच्छे से पानी देना चाहिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।
और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।